नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित। वरिष्ठ मूर्तिकार सुदर्शन साहू और बी मोनप्पा हेगड़े को मिला पद्म विभूषण सम्मान। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को मरणोपरांत मिला पद्म भूषण सम्मान। रानी लक्ष्मीबाई के 193वें जन्मदिन पर मनाया जाएगा राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। सैन्य हथियारों की लगेगी प्रदर्शनी। रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत पहुंचे नेपाल सेना प्रमुख। भारत के सेना प्रमुख नरवणे से मुलाकात कर सकेंगे द्विपक्षीय वार्ता। रेल मंत्री ने ओडिशा के झारसुगड़ा रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई की व्यवस्था और ट्रेनों के संचालन की ली जानकारी। दिल्ली में छठ पर यमुना की सफाई को लेकर सियासत तेज। रवि किशन बोले अपनी जिम्मेदारियां दूसरे पर नहीं थोप सकते केजरीवाल। जहरीली यमुना को लेकर अब आप नेता राघव चड्ढा ने उठाए सवाल। नदी में झाग के लिए यूपी हरियाणा सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बदायूं पहुंचे सीएम योगी ने सपा और बसपा पर साधा निशाना। बोले यूपी में पहले दंगे होते थे अब शांति पूर्वक मनाए जाते हैं त्योहार। सीएम योगी ने सपा पर लगाया आतंकवादियों से मुकदमा वापस लेने का आरोप। बोले सपा सरकार में हुए थे काशी कला बरेली और मुजफ्फरनगर में दंगे। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा प्रकृति की गोद में बसा ये राज हमेशा करता रहे तरक्की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर राज्यपाल ने ली परेड की सलामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। स्थापना दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह ने खोला घोषणाओं का पिटारा। आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने का भी किया ऐलान। महाराष्ट्र में ठाणे महानगर पालिका ने कर्मचारियों को सुनाया फरमान। कहा जिसने नहीं ली कोरोना की वैक्सीन उसे नहीं मिलेगा वेतन। आरबीआई ने बाबा जी दाते महिला सहकारी बैंक पर लगाई पाबंदी। वित्तीय संकट के चलते 5000 से अधिक की निकासी पर लगाई रोक। फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से संबंध का लगाया आरोप। कहा मुंबई में बम धमाके करने वालों से खरीदी जमीन। देवेंद्र फडणवीस के बयान पर नवाब मलिक ने किया पलटवार। कहा कल पूर्व सीएम के अंडरवर्ल्ड के खेल का करूंगा खुलासा। झारखंड में 500 एकड़ जमीन में बनाया जाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। योजना से 50,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। लखीमपुर बवाल मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। अजय मिश्रा के बेटे की रिवाल्वर और राइफल से फायरिंग की हुई पुष्टि। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले भाजपा के 3 इंजन ध्वस्त कर रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था। फ्रांस की मैगजीन के खुलासे के बाद फिर बाहर निकला राफेल का जिन। कांग्रेस का आरोप दोगुनी से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए जेट विमान। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर राफेल डील में कमीशन लेने का लगाया आरोप। का 2007 से 2012 के बीच हुआ कमीशन का पूरा मामला। देश में अगले 2 साल में सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। गडकरी बोले पेट्रोल डीजल की गाड़ियों के बराबर होगी कीमत। तमिलनाडु में बारिश के बाद चक्रवात का मंडराने लगा खतरा। बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया, तेज हवाओं का अलर्ट जारी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की संपत्तियां जब्त करेगा ईडी। बैंक खातों की पड़ताल कर मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जुटाए जा रहे सबूत। 20 नवंबर को ईपीएफओ बोर्ड की होने वाली है अहम बैठक। 2021-22 के लिए ईपीएफ ब्याज दरों पर हो सकती है चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी सुगंध किया लॉन्च, जिसमें 22 राज्यों से इकट्ठे किए गए इत्रों का किया गया इस्तेमाल। कानपुर में महिला मित्र के साथ होटल में मिले इंस्पेक्टर अरुण कुमार। पत्नी ने की पिटाई, कमिश्नर ने इंस्पेक्टर को किया निलंबित। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा को विशेष अदालत ने दी बड़ी राहत। सत्ता के दुरुपयोग और अवैध संपत्ति के मामले में किया बरी। गाजियाबाद पुलिस ने दंपति अशोक जकदा की हत्या का किया खुलासा। रॉयल इनफील्ड शोरूम के मालिक समेत 4 लोग गिरफ्तार। दुनिया भर में महामारी की अनिश्चितता के कारण बढ़ी नकदी की मांग। नोटबंदी के बावजूद भारत को डिजिटल होने में लगेगा समय। निकारागुआ तट के समीप प्रशांत महासागर में आया 6.2 तीव्रता का भूकंप। भूकंप से जान माल के नुकसान की तत्काल नहीं आई कोई खबर। भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का विवादित बयान। बोले दशरथ के नहीं श्रृंगी ऋषि निषाद के पुत्र थे राम। संजय निषाद के विवादित बयान पर गरमाई यूपी की सियासत। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और संघ से मांगा स्पष्टीकरण। दिल्ली कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने की केंद्र सरकार से मांग। बोली तेल की बढ़ी हुई कीमत से प्राप्त हुए धन को राज्यों में बांटे केंद्र। खुले में कचरा जलाने के खिलाफ अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार। 12 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा धूल रोधी अभियान। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने पीएम मोदी से की अपील। बोले गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 नवंबर से आगे भी रखें जारी। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली में 3 लाख लोगों पर लगा जुर्माना। मास्क न पहनने से संबंधित थे सबसे अधिक मामले।
अखिलेश ने चुनाव आयोग पर लगाया नई मतदाता सूची न देने का आरोप, बोले जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग के खिलाफ धरना देगी सपा। गोवा में कन्नड़ भवन के लिए 10 करोड़ रुपए देगी कर्नाटक सरकार, सीएम बसवराज बोम्मई ने की घोषणा। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर में अभियान की शुरुआत, विलुप्त प्राय जानवर के रहने और उसके संरक्षण पर दिया जाएगा ध्यान। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बना लाबा, अग्नि नामक ब्रांड का नोएडा स्थित कारखाने में किया जा रहा उत्पादन। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने किया वादा, बोले पंजाब में सरकार बनी तो मुफ्त में करेंगे पराली की समस्या का समाधान। अवसाद के खतरे को बढ़ा सकता है प्रदूषण, अमेरिका में हुए अपनी तरह के पहले अनुसंधान में सामने आई जानकारी। पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ मैदान में उतरे भाजपा कार्यकर्ता, पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर दिया धरना। अमेरिका में 6 जनवरी की हिंसा को लेकर ट्रंप के सहयोगियों को सम्मन, सदन की समिति ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए की कार्रवाई। म्यांमार में 30 लाख से अधिक लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में बढ़ती असुरक्षा और हिंसा पर जताई गई चिंता। ग्रेटर नोएडा के जेवर में गाड़ी टकराने को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, विवाद में लाठी डंडे और गोली चलने से एक की गई जान, कई घायल। टीम इंडिया के निवृत्तमान मुख्य कोच रवि शास्त्री ने दिए संकेत, भारत इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट में निभा सकते हैं कमेंटेटर की भूमिका। RCB ने संजय बांगड़ को बनाया अपना मुख्य कोच, IPL के नए सीजन की शुरू की तैयारियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।